जय दोस्तों वंदे मातरम। तो भाई फाइनली शिवराज सिंह चौहान, जिनको कि मध्य प्रदेश में मामा भी पुकारा जाता है, कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। उनके अंडर में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आएगी। अब कई लोग इस बात को सुनकर हैरान थे कि यार शिवराज सिंह चौहान इतना बड़ा नेता, इतना कद्दावर नेता है और उसको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दे दी गई है। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी हैरानी जरूर हुई, क्योंकि जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है बहुत छोटी इंडस्ट्री है, मुझे उन लोगों की सोच के ऊपर डाउट होता है कि क्या उनको वाकई में भारत के एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पता भी। भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है ना, उसकी 46% एम्प्लॉयमेंट जो है वह एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आती है। 18% का कॉन्ट्रीब्यूशन ये भारत के जीडीपी में करता है। हालांकि इसकी प्रोफाइल काफी ज्यादा लो है, बट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोई ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसा सेक्टर नहीं जिसको कि एक छोटा मोटा सेक्टर समझ सके। दरअसल प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये रही है कि मोदी गवर्नमेंट के जो पिछले दो टेन्योर रहे हैं उनमें कोई भी ऐसा मंत्री नहीं रहा था जिसने कि बहुत ज्यादा नाम कमाया हो इस तरह के सेक्टर में। एंड शिवराज सिंह चौहान इस टाइप के पहले ऐसे नेता हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ रहे हैं मोदी गवर्नमेंट के अंदर। इससे पहले यूपीए की अगर हम लोग बात करें तो शरद पवार एक बड़े नाम थे जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के मंत्री रह चुके थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर सही चॉइस है? तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा, हाँ। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 18 सालों में लगातार काम करते हुए मामा जी ने एग्रीकल्चर की पूरी तस्वीर बदली थी, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की इमेज पूरे भारत के सामने बदली। और दुनिया की बात तो खैर बाद में आती है। शिवराज सिंह चौहान 2004 से लेकर 2023 के आखिर तक एक तरीके से हम कह सकते हैं सीएम की कुर्सी पर इस तरीके से काबिज रहे कि एक बड़ी जनसंख्या ऐसी थी मध्य प्रदेश की जिसको सीएम का मतलब यही पता था कि शिवराज सिंह चौहान ही है। जब मोहन यादव हमारे यहाँ के सीएम बने तब इस चीज को एक्सेप्ट करने में ही लोगों को काफी टाइम लग गया कि यार अब मामा सीएम नहीं रहे। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा ने काफी मध्य प्रदेश में काम किया और उस मध्य प्रदेश को जो जिसको कि पहले से जंगलों के लिए जाना जाता था, कई सारे ऐसे सेक्टर्स में काम किया उन्होंने, कई सारे ऐसे सेक्टर्स में ग्रोथ दिलाई जिसके कारण मध्य प्रदेश की छवि बदली। आज की इस वीडियो में लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान के उन एफर्ट्स के बारे में जिस कारण से मध्य प्रदेश की जो खेती किसानी है वो भारत के पटल के ऊपर सबको दिखाई देने लगी। दरअसल अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो कृषि या एग्रीकल्चर जो है ये हमेशा ही मोदी सरकार के एजेंडे में रहा है। शुरुआत से इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने क्लियर कर दिया था कि हम लोगों को किसानों की जो आय है वो डबल करनी है, लेकिन ये देखने को मिला है कि किसानों की आय जो है वो अभी तक डबल हो नहीं पाई है। इस बारे में काम किया गया लेकिन शायद उतने इफेक्टिव तरीके से काम किया नहीं गया, या जो इस सेक्टर के मंत्री रहे पिछली सरकारों में उन्होंने इस सेक्टर के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को जो कि अब कैबिनेट मिनिस्ट्री में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे दिया गया है तो उनके कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ा भार आ गया है। लेकिन जो कि मैंने पहले भी आपसे बोला था कि शिवराज सिंह चौहान ने आखिर ऐसा क्या किया है कि उनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर एक रिवॉल्यूशनरी नेता के तौर पर देखा जा रहा है, मंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी तुलना की जा रही है नितिन गडकरी जी से कि जिस तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट के पूरे डिपार्टमेंट में नितिन गडकरी का कोई सानी नहीं है, शिवराज सिंह चौहान अगले वो नेता हो सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भारत की तस्वीर को बदल के रख सकते हैं। अगर मैं शिवराज सिंह चौहान जी की कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करूं तो उन्हीं के अंडर में, जब शिवराज सिंह चौहान के अंडर में मध्य प्रदेश की सरकार थी तब मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना था गेहूं का उत्तर प्रदेश के बाद में। इसके अलावा जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसी होती है ना, उन एजेंसीज में पंजाब के बाद में सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट जो है वो भी मध्य प्रदेश से होना शुरू हुआ था। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश आज की तारीख में सोयाबीन का, चना का जिसको कि चिकपी भी कहा जाता है, टमाटर का, गार्लिक का, जिंजर का, धनिया का और मेथी का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इन सब के अलावा नंबर टू आता है ये ओनियन में, प्याज के एक्सपोर्ट में जो कि महाराष्ट्र के बाद है, मस्टर्ड में राजस्थान के बाद में, और मेज में कर्नाटका के बाद में। इन सब चीजों में मध्य प्रदेश नंबर टू आता है। और ये जो इतनी ज्यादा फसल इनकी बढ़ी है ये कहीं ना कहीं बढ़ पाई इस कारण से क्योंकि पिछले 10 साल में जो एवरेज एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, एनुअल एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है मध्य प्रदेश की, वो 6.5% तक बढ़ी है। जाहिर सी बात है 10 साल में ये ग्रोथ हासिल कर पाना ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट होती है। मतलब ये जो मैं 6.5% की आपको ग्रोथ बता रहा हूं, आपको इस तरीके से समझना है कि अगर हम ऑल इंडिया की बात करें इसी मोदी गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये ग्रोथ रेट जो रही, एनुअल ग्रोथ रेट जो रही एग्रीकल्चर की, वो 3.7% रही है, जो कि मध्य प्रदेश की 6.7% रही। ऐसे में सवाल उठता है कि यार आखिर ऐसा क्या किया जो ये जो एनुअल एग्रीकल्चर ग्रोथ है इतनी तेजी से बढ़ी। इसका सिंपल सा जवाब है, जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उनको डबल कर दिया गया। जो यूपीए के अंडर में 40% हुआ करती थी 2004-5 तक भी 40% एरिया कवर किया जाता था, आज की तारीख में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 80% वो एरिया है जो कि कवर किया जाता है इरिगेशन चैनल्स के थ्रू। एंड इवेंचुअली इरिगेशन चैनल्स जब बेटर हो जाते हैं तो आप फसल भी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो।
इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इरिगेशन का एक्सेस जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिला, इस चक्कर में यह हुआ कि एक से ज्यादा फसल हमारे यहाँ के किसान करने लगे। अगर हम लोग एक तरीके से बात करें तो मध्य प्रदेश में आज की तारीख में 1.9 एक टर्म यूज किया जाता है, जो कि ऑलमोस्ट पंजाब के बराबर है। पंजाब में भी लगभग लगभग दो फसल कर सकते हैं और ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। और अगर हम ऑल इंडिया फिगर की बात करें तो ये दशमलव जाता है 1.5 पर, मतलब 1.9 मध्य प्रदेश का है और पंजाब का है और बाकी पूरे के पूरे भारत का 1.55 है। इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट के अलावा जो सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट था वो था ट्यूबवेल्स का और साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस देने का। इसके अलावा जो पुरानी हमारे यहाँ की नहर वगैरह थी उनकी मरम्मत करवाई गई और बहुत बड़े एरिया में नई नहरों का निर्माण भी हुआ, जिससे कि पानी की सप्लाई को सुनिश्चित किया गया, जिससे कि किसान इस बात को लेकर इंश्योर हो पाए कि वो ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सकते हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एपीएमसी के अलावा भी और सारी कई सुविधाएं दी किसानों को, जिससे कि वो अपने हिसाब से अपने फसल को बेच सके। इनमें सबसे ज्यादा था सब मंडीज को बनाना, सोसाइटीज और वेयर हाउसेस को बनाना गाँव के पास में, जिससे कि अगर उनको अपना अनाज नहीं भी बेचना है, उनको लगता है कि नहीं आने वाले समय में हो सकता है हमको अच्छी कीमत लग मिल जाए, तो वो उन जगहों पर अपने अनाज को स्टोर भी कर सकते थे। और इससे किसानों को एक ऐसी ताकत मिली कि वो अपने ही अनाज को अपने मुताबिक कभी भी बेच सकते। तो ऐसे में जब मामा जी का इतने सारे काम हमारे सामने हैं तो सवाल यही आ जाता है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है कि जब वो अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री के तौर पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देखने वाले। तो देखिए, इसको सिंपल सी बात इस तरीके से समझिए कि मोदी जी के फर्स्ट दो टर्म्स में, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, कोई ऐसे खास बड़े लोग नहीं थे जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी रखते हो। जैसे अगर हम बात करें तो काफी लो प्रोफाइल नेता यहाँ पर थे, इनमें राधा मोहन सिंह थे, नरेंद्र सिंह तोमर और अर्जुन मुंडा जैसे यहाँ पर नेता थे। जबकि अगर हम बात करें यूपीए सरकार की, तो मैंने आपको बताया उस समय शरद पवार जैसे एक बड़े नेता थे जो कि महाराष्ट्र में काफी बड़ा नाम रखते हैं और इंडियन पॉलिटिक्स में भी बड़ा नाम रखते हैं। इवन इससे पहले भी अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर का जो पोर्टफोलियो है वो काफी बड़े नेताओं ने संभाला है, जैसे कि इसमें सी सुब्रमण्यम जी का नाम सामने आता है, बलराम जाखड़ का नाम सामने आता है, चौधरी देवीलाल का सामने आता है, राव ब्रिजेंद्र सिंह का नाम सामने आता है, जगजीवन राम का नाम सामने आता है। काफी बड़े नेता हैं जो कि इस सेक्टर में अपने हाथ को आजमा चुके हैं। बट शिवराज सिंह चौहान को लेकर कई सारी बातें ऐसी हो रही कि यार ये बंदा रिफॉर्म करने वाला है और ये बात तय है। ऐसे मामा जी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है वो ये कि वो किसी भी तरीके से ये जो पूरी पॉलिसी प्रोफाइल है ना सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, उसको इंप्रूव करें, जिससे कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, इन्वेस्टमेंट करने का लोगों का मन करे। क्योंकि हम जानते हैं कि ये भारत के जीडीपी में 18% का अपना योगदान देती है एंड इसके अलावा 46% हमारे यहाँ की जो लेबर है, वो लेबर फोर्स जो है वो इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड भी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के सामने सिर्फ यही चुनौतियां नहीं रहने वाली हैं, दरअसल इसके अलावा भी कई सारी चुनौतियां हैं जो कि शिवराज सिंह चौहान के सामने रहेंगी, जो कि उनको ओवरकम करने पड़ेंगी। इनमें सबसे बड़ा तो क्लाइमेट चेंज ही है, क्लाइमेट चेंज के कारण फसलें काफी खराब होती हैं। इसके अलावा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है रिसर्च में वो भी काफी ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है, एक्सटेंशन इरिगेशन भी इसमें काफी ज्यादा नीचे होता जा रहा है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, देखिए किसी भी डिपार्टमेंट को यदि आपको ग्रो करना है तो आपको वहां पर प्राइवेट सेक्टर को तो लाना ही पड़ेगा, सरकारी सेक्टर से कोई भी चीज ऐसे ग्रो नहीं हो पाती। तो ऐसे में अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा नीचे जाता जा रहा है। इसके अलावा प्राइसिंग ऑफ इनपुट जो है वो भी सब नीचे जा रहा है, मतलब कि आपका फर्टिलाइजर्स हो गए, सीड्स हो गए, टेक्नोलॉजी, अगर हम स्पेशली बायोटेक क्रॉप्स की बात करें तो वो भी, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, सब सामने ही है। जो स्टॉकिंग लिमिट्स है उसके ऊपर सरकार बार बार रोक लगा देती है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा देती है या फिर एक्सपोर्ट्स ही रोक देती है। तो ये भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण जो कॉमन लोग हैं जो इससे पैसा कमाने की सोच रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार शायद ये एक सौदे का काम ना हो या फायदे का काम ना हो। ऐसे में अभी तक इस पूरे सेक्टर को जो एक बड़ा हाई प्रोफाइल नेता नहीं मिला था वो अब मिल गया है और इसके कारण शायद आने वाले समय में हमको और बेहतरी के काम देखने के लिए मिलेंगे। और इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल मैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट का जो मिनिस्टर है हमारे नितिन गडकरी जी, उन्हीं का नाम लेता हूं। जब से वो इस डिपार्टमेंट के नेता बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, उन्होंने रिफॉर्म करके रख दिया है इंडिया को। जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है हमारे रोड्स का, अब भारत में आज की तारीख में कहीं भी चले जाइए आपको क्लियर तौर पर उसका एग्जाम्पल दिखाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पीयूष गोयल जी की भी हम बात कर सकते हैं, जो कि कॉमर्स इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। एंड सबसे बड़ी बात, इस तरह के नेताओं के जुड़ने से होता यह है कि कॉमन पब्लिक का भी इंटरेस्ट इन चीजों में जागता है। जैसे नितिन गडकरी जब अच्छा काम कर रहे हैं, हर तरफ बात होती है, लोग और जानना चाहते हैं कि हाँ यार इनसे जुड़ी हुई चीजें कौन सी। जैसे नितिन गडकरी जी तो आज की तारीख में ये तक बोलते हैं कि आपको किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के, कौन से नहीं, जिससे कि हमको पता चलता है कि एक सेक्टर में अगर इंप्रूवमेंट आता है तो उससे किस हद तक चीजें बदली जा सकती। हालांकि ये बात हमेशा ही सवालों के घेरे में रहेगी कि शिवराज सिंह चौहान क्या वैसी सफलता को सेंट्रल लेवल पर दोहरा पाएंगे जैसी उनको एमपी में मिली थी। पर इसके लिए हमको उन्हें टाइम देना पड़ेगा, फ्री हैंड देना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा समय, सबसे इंपॉर्टेंटली कि वो अपना काम करके दिखाएं। शिवराज सिंह चौहान हमारे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 18 सालों तक,
तो ऑब्वियसली बात है हमारी शुभकामनाएं तो उनके साथ हैं ही, एक भावनात्मक जुड़ाव भी था उनके साथ में क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो एमपी के चीफ मिनिस्टर रहे। हालांकि इस दौरान उनके ऊपर काफी आरोप प्रत्यारोप भी लगे और व्यापम इनमें सबसे बड़ा नाम था, बट स्टिल मामा ने जिस तरीके का काम मध्य प्रदेश में किया है वो जनता जिसने कि पहले दिग्विजय सिंह की सरकार के समय पर प्रदेश को देखा था और फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार और प्रदेश को देखा, वो बखूबी जानते हैं कितना बड़ा अंतर आया था, फिर चाहे वो रोड्स की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, बेसिक नेसेसिटीज की बात हो। तो ऐसे में उम्मीद यही करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान अब सेंट्रल लेवल पर जब गए हैं तो वो वहां पर जाकर भी अपना नाम बुलंद करें। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल, जय हिंद जय भारत।